सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिल इन द माइंड्स की एक और नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे ईओटी डिज़ाइन करना। ये एक मैकेनिकल सिस्टम है बहुत बड़ा सा, और इसको डिज़ाइन करेंगे हम। इसका एक और नाम है स्नैच बॉक्स असेंबली, तो इट इज़ वन एंड द सेम। तो इसमें 11 मेजर स्टेप्स है, 11 मेजर स्टेप्स है। उसके अंदर जैसे ये रोप डिज़ाइन है, तो उसके अंदर और माइनर स्टेप्स है, इसमें और 5-6 माइनर स्टेप्स है। तो यूजुअली ये सम 20 मार्क्स को आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सम हो जाता है, एटलीस्ट 15 to 18 पेजेस का हो जाता है। तो इसके जैसे ये सम 20 मार्क्स को आता है, एक लौता सम है अकेला 20 मार्क्स को। ये है और एक आईसी इंजन, दोनों बहुत बड़े बड़े सम है। तो अगर ये 20 मार्क्स को नहीं आया, तो इसके बीच के स्टेप्स पूछ लेते कभी कभार, जैसे रोप डिज़ाइन ही सिर्फ पूछेगा, या फिर हुक डिज़ाइन पूछ लेगा, या फिर ड्रम डिज़ाइन या पुली डिज़ाइन, ऐसा बीच के स्टेप्स पूछ लेते 6-7 मार्क्स को। तो इसलिए ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आता ही है पेपर में। तो हम देखते हैं इसमें अभी क्या करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 11 स्टेप्स आपको मेमोराइज कर लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए। क्या फर्स्ट स्टेप जो है वो तो हमेशा कंपलसरी डायग्राम रहता ही है, कोई भी आप सम ले लीजिए, सब में फर्स्ट स्टेप डायग्राम रहता ही है। फिर सेकंड स्टेप है रोप डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑफ रोप। और फिर थर्ड स्टेप है पुली डिज़ाइन करने का, ये जो पुली है उसको डिज़ाइन करने का। फोर्थ स्टेप है पुली के लिए बेरिंग डिज़ाइन करना है। फिर फिफ्थ है एक्सेल डिज़ाइन करने का। सिक्स्थ हुक डिज़ाइन करने का, फिर उसके लिए भी बेरिंग डिज़ाइन करना है। और सेवन्थ है उसके लिए नट भी डिज़ाइन करना है। और फिर एट है, नाइन्थ है क्रॉस पीस डिज़ाइन करने का, इसको क्रॉस पीस बोलते हैं। टेंथ है शेकल प्लेट डिज़ाइन करने का, जो कि एक और एक डायग्राम है उसमें बताता हूँ। और इलेवंथ है रोप ड्रम डिज़ाइन करने का, जो जिसमें रोप लपेट के रखते हैं उसको रोप ड्रम बोलते हैं, तो वो डिज़ाइन करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका डायग्राम समझा देता हूँ। तो ये डायग्राम है इसका, ये इसका फ्रंट व्यू है और साइड व्यू ये रहा, ये उसका साइड व्यू है। तो आपको फर्स्ट स्टेप में ये डायग्राम ड्रॉ करना है, और उसके साइड में ही साइड व्यू ड्रॉ करना है, क्योंकि साइड व्यू हमेशा उसके साइड में आता है। मेरे पास जगह नहीं थी, तो इसलिए मैं पीछे ड्रॉ किया। तो आपको ये दोनों व्यू ड्रॉ करना है। तो ये आप इस पर टोटली रिलाई मत कीजिए, ये मेरे डायग्राम पे। आपकी बुक में जैसा डायग्राम होगा, जैसा आपको कॉलेज में बताया गया, वैसा आप ड्रॉ कीजिएगा। ये तो बस मैंने जस्ट एज ए एग्जाम्पल ड्रॉ कर दिया हूँ। तो इसमें देखिए, ये जो है ना, ये दिख रहा है आपको 2D व्यू में एकदम स्ट्रेट, ऐसा सिंपल एक प्लेन में दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको 3D में देखेंगे तो ये पूरा एक स्क्वायर है, मतलब ऐसा स्क्वायर शेप का ये पूरा। तो क्या होता है, क्या वो जो क्रेन में रहता है ना, ये पूरा स्क्वायर शेप का रहता है। तो ऊपर से ना रोप्स आती है, रोप्स मतलब रस्सियाँ रहती है ऊपर से, वो आती है और ये पुली में ऐसा बेंड बेंड होती है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको ऐसा पकड़ने के लिए। तो वो रोप को डिज़ाइन करना है, और ये पुली जिसके अंदर वो रस्सियाँ रहती है, तो वो पुलिस को भी डिज़ाइन करना है। ये जो है ये बस उसको होल्ड करने के लिए, ये दोनों प्लेट्स को होल्ड करने के लिए ये वाला ये जो एक्सिस है ये यूज़ होता है। फिर ये पुली है, पुली की एक्सिस रहती है। फिर ये जो है ये क्रॉस पीस है, क्रॉस पीस मतलब ये ऐसा रहता है, बीच में होल रहता है और यहाँ से हुक निकलता है ऐसा। तो ये जो है इसको क्रॉस पीस बोलते हैं, ओके। तो ये क्रॉस पीस भी डिज़ाइन करना है, फिर यहाँ से हुक निकलता है, हुक डिज़ाइन करना है। और फिर यहाँ पर जो है बेरिंग लगती है हुक की, और फिर नट लगते हैं, वो नट्स भी डिज़ाइन करना है। तो इसका आप एक बार 3D व्यू देख लीजिएगा सर्च करके गूगल पे, तो आपको दिख जाएगा ये कैसा दिखता है असल में। तो फर्स्ट स्टेप तो रहा डायग्राम, जो मैंने आपको बता दिया, क्या डायग्राम में आपको दो व्यूज़ बनाने, एक फ्रंट व्यू और एक साइड व्यू। अगर आपके कॉलेज में सिर्फ फ्रंट व्यू बनाया गया, तो आप सिर्फ फ्रंट व्यू बनाइए, जैसा कॉलेज है वैसा आप डायग्राम देख के बना लीजिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स को आया तो ऐसा आएगा कि डिज़ाइन अ क्लास 2 टाइप ईओटी स्नैच बॉक्स असेंबली फॉर अ लोड 100 किलो न्यूटन एंड अ होस्टिंग स्पीड 6 मीटर पर मिनट, ओके। तो आपको ये तीन चीज़ क्वेश्चन में दी रहेगी। एक होगा उसका टाइप क्या रहेगा जो क्लास 2 दिया है, दूसरा होगा कितने लोड के लिए बनाना है जो 100 किलो न्यूटन दिया, और एक होस्टिंग स्पीड मतलब वो रोप की स्पीड दी रहेगी 6 मीटर पर मिनट पे वो मूव करना चाहिए, ओके। तो फर्स्ट स्टेप तो चालू करती है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो डायग्राम है, वो आप ड्रॉ कर लेना, ओके। अब सेकंड स्टेप जो है, हम सेकंड स्टेप से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है डिज़ाइन ऑफ रोप। अभी ये जो रोप है ये कोई साधारण रोप नहीं है, मतलब हम ऐसा रस्सी ऐसा कोई भी नहीं ले सकते। तो वो रोप है ना, उसका पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम। वो रोप्स आपने ये तो देखा होगा कि ये सब में वायर्स रहते हैं, और वो वायर्स को एक दूसरे के ऊपर लपेट के क्रॉस फैशन में या स्ट्रेट फैशन में उनसे रोप बनाई जाती है, समझे। मतलब
ये एक पूरा इसको लोब बोलते हैं। तो इसके अंदर छोटे छोटे वायर्स रहते हैं, बहुत सारे वायर्स रहते हैं। तो एक लोब में इतने सारे वायर्स रहते हैं, तो समझ लीजिए इसमें 37 वायर्स है। तो एक लोब में 37 वायर्स है, तो वैसे पांच लोब, देखिए पांच है ना, तो ये पांचों में 37 वायर्स है, पांचों लोब्स मिला के ये 5 लोब्स है, लोब्स बोलते हैं उसको, एक रोप बनाई जाती, वन रोप। तो ये टोटल मिला के एक रोप बन रही है ना, एक रस्सी बन रही है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ रहती है, क्योंकि उसको उठाना ही इतना सारा है, 100 किलो न्यूटन। मतलब इसको पहले आप इंटू 10^3 करिए, मतलब ये हो जाएगा 1000, इतना सारा उसको वेट उठाना है। तो उसकी वजह से ये रोप बहुत स्ट्रेंथ रहना चाहिए। तो इसकी वजह से छोटे छोटे स्टील या फाइबर स्टील के वायर्स मिला के एक लोब बनाई जाती है, फिर वो लोब्स को मिला के एक रोप बनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें तीन टर्म हमने देखे, एक वायर है, एक लोब है और एक रोप है। तो वायर्स को मिला के एक लोब बनाई जाती है और वो लोब्स को मिला के एक रोप बनाई जाती है। ओके, तो डिज़ाइन ऑफ रोप स्टार्ट करने से पहले मैं उसके अंदर के स्टेप्स आपको बता देता हूँ। तो डिज़ाइन ऑफ रोप, अब उसमें कुल मिला के 5 स्टेप्स है। तो वो 5 स्टेप्स हम पहले देख लेते, उनका नाम देख लेते, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर मैंने ये पूरा डिज़ाइन एक ही वीडियो में बना दिया तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए मैं इसको पार्ट्स बाय पार्ट्स बनाऊंगा, जिसमें मतलब पहले फर्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा पार्ट्स कवर करूंगा सेकंड वीडियो में, और थर्ड वीडियो में ऐसा 2-3 वीडियो करके बनाएंगे। तो अभी हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ रोप के वो 5 स्टेप्स। तो जो पहला स्टेप है वो है सिलेक्शन, हमें एक रोप सिलेक्ट कर लेने का है। ठीक है, मतलब ऐसा सिलेक्शन, क्या कितने वायर्स उसमें रहना चाहिए, कितने लोब्स की रहना चाहिए, और कितनी रोप लगेगी, तो वो सिलेक्ट करने का है। फिर उसका जो सेकेंड स्टेप है अजम्पशन। तो हर स्टेप्स में मतलब पहले हम देखे थे पहले की वीडियोस में, सब में कुछ ना कुछ अज्यूम करना रहता है। तो इसमें भी हम बहुत सारी नहीं, 4 चीज़ें अज्यूम करेंगे, जिसमें एफिशिएंसीज वो सब रहेगी। फिर थर्ड जो स्टेप है वो है डायमीटर ऑफ रोप। हमने रोप तो सिलेक्ट कर ली, लेकिन उसका फिर डायमीटर, वो कितना डायमीटर की रहेगी वो भी सिलेक्ट करेंगे हम, तो डायमीटर ऑफ रोप। फिर फोर्थ स्टेप है, तो ये 1, 2, 3, 4 स्टेप है, हम उसको चेक करेंगे क्या वो सस्टेन कर पाएगी कि नहीं वो लोड को। तो फोर्थ स्टेप है चेकिंग, और चेक करने बाद फिफ्थ स्टेप हम डिसाइड करेंगे वो कितना देर चलेगी, लाइफ। तो फिफ्थ स्टेप लाइफ है। तो इसमें डिज़ाइन ऑफ रोप में 5 स्टेप्स है, तो आप ये 5 स्टेप्स मेमोराइज कर लीजिए। अब ये इसमें से ये जो सिलेक्शन अजम्पशन है वो तो हम कर लेंगे, बाकी स्टेप्स डेटा बुक देख के हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ रोप, ओके, इसका मतलब क्या होता है, क्या हमें बस ये सिलेक्ट करना है क्या ये रोप के अंदर लोब्स कितने होने चाहिए। जैसे इसमें 5 लोब्स है और 37 वायर्स है हर एक लोब्स में, तो हमें बस वो सिलेक्ट करना है क्या हमें कितने लोब्स की रोप चाहिए और उसमें कितने वायर्स होना चाहिए। तो सबसे स्टैंडर्ड जो है ना वो है 6x37, ये बहुत स्टैंडर्ड है, इसके डेटा जो है ना डेटा बुक में ईजिली अवेलेबल है। तो हम ये सिलेक्ट करेंगे 6x37, बहुत स्टैंडर्ड रोप है ये, मतलब 37 वायर्स रहेंगे और 6 लोब्स रहेंगे, मतलब ऐसे 6 लोब्स रहेंगे और उसके अंदर हर एक लोब के अंदर 37 वायर्स रहेंगे। तो हम ये सिलेक्ट करेंगे, तो हम लिखते हैं स्टेटमेंट, एक लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सिलेक्टिंग 6x37 रोप फॉर कॉम्पैक्टनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और वो जो मटेरियल रहेगा वो रहेगा विथ फाइबर कोर स्टील, मतलब ये फाइबर कोर स्टील के वायर्स रहेंगे, वो उनके मटेरियल का हम ये रोप सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें हमने सिलेक्ट कर लिया रोप 6x37 का। अब सेकेंड स्टेप करते हैं, ये जो सेकेंड स्टेप है वो है अजम्पशंस। तो हमें इसमें 4 चीज़ें अज्यूम करनी है, तो एक एक करके मैं बताता हूँ। फर्स्टली हमें अज्यूम करना है
नंबर ऑफ फॉल्स एंड नंबर ऑफ बेंड्स, मतलब वो कितना फॉल्स सिस्टम है और उसमें कितने बेंड्स है। फॉल्स सिस्टम मतलब जैसे ये डायग्राम है, तो कितने रोप्स ऐसा ऊपर से इसको पकड़ेंगे, कितने रोप्स इसको ऊपर से ऐसा पकड़ेंगे, मतलब ऐसा 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 यहाँ पर चार, तो चार रोप्स उसको ऊपर से पकड़ेंगे ना, क्योंकि वो स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो हम फोर फॉल सिस्टम अज्यूम करेंगे। और फिर यहाँ पर पुली में आके वो बेंड हो रहे हैं ना, तो कितने बेंड्स रहेंगे वो हम अज्यूम करेंगे, थ्री बेंड्स। तो फर्स्ट जो है नंबर ऑफ फॉल और नंबर ऑफ बेंड अज्यूम करना है, तो हम अज्यूम करेंगे फोर फॉल सिस्टम विथ थ्री नंबर ऑफ बेंड्स, ये हमारा फर्स्ट अजम्पशन है। फिर सेकेंड हम अज्यूम करते हैं नंबर ऑफ पुली, नंबर ऑफ पुली। तो ये डायग्राम में आप देखिए दो पुली मैंने बनाया, तो मतलब दो पुली है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, वो लोड पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा क्वेश्चन था, इसमें 100 किलो न्यूटन का लोड दिया था, तो अगर 80 किलो न्यूटन देता है ना, तो तब तक एक वन पुली हम सिलेक्ट कर सकते हैं, एक पुली ये इतना लोड सहन कर सकते हैं। लेकिन जब 80 से ज़्यादा लोड दिया, जैसे यहाँ 100 दिया, तो इसलिए हम टू पुलीज सिलेक्ट करेंगे, और उससे ज़्यादा रहता है तो थ्री पुलीज रहते हैं। ओके, तो उस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ पुलीज, लोड कितना है। तो जिस इसमें नंबर ऑफ पुलीज हम टू लेंगे, इज इक्वल टू टू, सिंस आवर लोड इज ग्रेटर देन 80 किलोमीटर। ओके, 100 है ना हमारा लोड, तो वो ग्रेटर 80 से, तो हम टू पुलीज सिलेक्ट करेंगे। ये सेकेंड अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन, हमें एफिशिएंसीज अज्यूम करना है, तो हम एफिशिएंसी ऑफ पुली अज्यूम करेंगे, और एक और एक है एफिशिएंसी ऑफ ड्रम, ये दोनों चीज़ों को हम अज्यूम करेंगे। तो हम 95% या आप कुछ भी ले सकते हैं, 85%, 80, 95, 97, जो आपका मन चाहे वो अज्यूम कर लीजिए। तो मैं 95% अज्यूम करता हूँ, और फोर्थ चीज़ जो है वो हमें मटेरियल भी अज्यूम करना पड़ेगा। तो मटेरियल हमने पहले अज्यूम कर चुके थे सिलेक्शन ऑफ रोप में, क्या था, फाइबर कोर स्टील। तो ये चार अजम्पशन लेके, अब वो मटेरियल का हमें स्ट्रेस देखना पड़ेगा डेटा बुक से, तो वो स्ट्रेस हम पहले डेटा बुक से देख के निकाल लेते। तो ये देखिए, ये जो पूरा, मैं ये डेटा बुक PSG यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास जो भी डेटा बुक होगी आप वो यूज़ करिएगा। तो उसमें इंडेक्स में जाइएगा पहले, तो यहाँ देखिए इंडेक्स में आप देखिए वायर, रोप्स, ड्रम, होस्टिंग गेयर, तो ये सब मटेरियल हैंडलिंग में आता है। तो आपको पूरा जो सम है वो पूरा इस पेजेस में रिवॉल्व करेगा, 9 मटेरियल हैंडलिंग है, तो इसलिए मटेरियल हैंडलिंग में रिवॉल्व करेगा। तो हम 9.1 पे जाते, तो देखिए ये रहा 9.1। तो यहाँ पर आपको वो स्ट्रेंथ सिलेक्ट करना है फाइबर कोर स्टील की। अब वो रोप है, रोप फाइबर कोर स्टील की, तो हमें रोप का स्ट्रेंथ सिलेक्ट करना है। तो आप आगे बढ़ते जाइए, तो आपको यहाँ रोप का टेबल मिलेगा, 16x37, ये रहा 16x19। तो हम 16x37 पे ना, तो उसकी हम स्ट्रेंथ देखेंगे क्या है। तो 16x37 की स्ट्रेंथ यहाँ कहीं दी नहीं है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ दिए देखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वायर शुड बी इन द रेंज 160-175 kgf/mm². ओके, तो वो एक रेंज दे दिया है स्ट्रेंथ की, टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो वो हम वो ले लेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ की रेंज 160-175 kgf/mm², तो उसके बीच में कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं लेता हूँ 165। ओके, तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसलिए सिग्मा टी इज इक्वल टू 165। उसका यूनिट भी लिखे, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन में गलती हो सकती कभी भी। फिर हमारा नेक्स्ट माइनर स्टेप है रोप के अंदर, वो है डायमीटर, या फिर उसको क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं आप, क्रॉस सेक्शन ऑफ रोप। ओके, तो इसमें आपको डेटा बुक में जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट पेज खोलिए आप एकदम, ये रहा फर्स्ट पेज।
तो क्रॉस सेक्शन एरिया का देखिए यहाँ फार्मूला दिया है, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन सिग्मा यू एंड डी बाई डी मिनिमम डी डब्ल्यू बाई डी ई डैश, है ना। तो ये फार्मूला आप सेम टू सेम कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू एफ अपॉन सिग्मा यू बाई एन माइनस डी बाई डी मिनिमम इंटू डी डब्ल्यू बाई डी ई डैश। ये जैसा एज इट इज़ आप उसको उतार लीजिए। अभी इस फॉर्मूले पे बढ़ने से पहले मैं दो तीन चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन हमने देखे थे तो हमने गिवन लिखना भूल गए थे। तो सबसे पहले डायग्राम के बाद आपको गिवन लिखना है, सेकंड स्टेप में मत लिखे, डायग्राम के नीचे गिवन लिख देना, ठीक है। तो वहाँ मैं भूल गया था तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें गिवन क्या था। गिवन था हमें टाइप था हमारे पास, टाइप था क्लास टू, और फिर लोड दिया था W इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन, उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दीजिए 100 इंटू 10 रेस टू 3 न्यूटन, और स्पीड दी थी होस्टिंग स्पीड, तो V इज इक्वल टू 6 मीटर पर मिनट, इसको भी मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर देना। ओके, ये तीन चीज़ हमें गिवन थी, और इसमें ना लिफ्ट गिवन नहीं था, मतलब कितना उठाना चाहिए वो हुक ने, हुक को कितना, मतलब रोप को कितना उठाना चाहिए वो लिफ्ट नहीं दिया था। तो लिफ्ट अगर नहीं दिए क्वेश्चन में तो हम अज्यूम करेंगे मैक्सिमम लिफ्ट इज इक्वल टू 10 मीटर, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो ही ये अज्यूम करना, अगर क्वेश्चन में दिया है लिफ्ट तो मत अज्यूम करना, अज्यूम। ओके, तो ये गिवन लिखने के बाद आप स्टेप टू स्टार्ट करना डिज़ाइन ऑफ रोप। तो हम यहाँ आते फॉर्मूले पे, अब ये डी डी मिनिमम डी डी डब्ल्यू क्या है तो उसकी टर्मिनोलॉजी लिख देते। डी डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू मतलब वायर, तो ये डायमीटर ऑफ वायर है। ओके, ये जो अंदर छोटे छोटे वायर्स है उसका डायमीटर है, हर एक डायमीटर का वायर। फिर ये जो डी मिनिमम है वो है डायमीटर ऑफ पुली, मतलब मिनिमम डायमीटर ऑफ पुली, और जो ये स्मॉल डी है वो है डायमीटर ऑफ रोप। ओके, ऐसे ये यहाँ पर भी दिया हुआ है उसके बाजू में वो क्या डिनोट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें से हमारे पास क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट एफ, एफ है हमारे पास, हाँ एफ मतलब वो लोड ही होता है, कितना फोर्स। तो यहाँ देखिए एफ का मतलब क्या है, लोड और टेंशन पर फॉल ऑफ रोप, वो भी केजीएफ में, तो पर फॉल ऑफ रोप, तो एफ है लोड पर फॉल, ये है ना एफ, यहाँ से ही हमने लिखे एफ इज इक्वल टू लोड पर फॉल ऑफ रोप। तो लोड हमारे पास है 100 किलो न्यूटन, वो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए, लेकिन एफ का यूनिट देखिए केजीएफ में, तो इसको आपको फर्दर केजीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 10 कर देना है इस पूरी चीज़ को, तो ये हो जाएगा इतना केजीएफ। ओके, आप डिवाइड पहले तो न्यूटन में कन्वर्ट करिए, फिर डिवाइड बाय 10 करिए, तो आपको केजीएफ में मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करिए, 10,000 डिवाइड बाय फॉल कितने थे हमारे, फोर फॉल सिस्टम हमने यहाँ अज्यूम किए, तो फोर। अब ये इसके साथ हमें एफिशिएंसी का टर्म्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफिशिएंसी ऑफ पुली इनटू एफिशिएंसी ऑफ ड्रम। ओके, तो 10,000 डिवाइड बाय 4, क्योंकि इतना एफिशिएंट लोड वो कैरी नहीं करेगा, पुली और ड्रम में कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा, तो इनटू 0.95 इनटू 0.95, तो इससे आपको मिलेगा आंसर 2770 केजीएफ, केजीएफ में मिलेगा आपको आंसर एफ का। तो F आ गया, अभी सिग्मा U डिवाइड बाय N, तो सिग्मा U तो हमने ऊपर, मतलब वही है ना मटेरियल प्रॉपर्टी है वो, स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, सिग्मा U इज इक्वल टू सिग्मा T हमने ऊपर निकाले, तो सेकेंड सिग्मा U जो हमने ऊपर सिग्मा T लिए वही है, तो ये 165 kgf पर mm स्क्वायर, देखिए हर चीज़ kgf में है, तो आपको यूनिट कन्वर्जन का ध्यान देने का ज़रूरत भी नहीं, ये kgf में रखिए, ये तो केजीएफ में था ही, तो 165 केजीएफ पर एमएम स्क्वायर, तो आपको एमएम में आंसर मिलेगा।
ठीक है, सिग्मा यू हो गया, अब एन, तो एन क्या है, एन यहाँ से देख लीजिए, एन इज स्ट्रेस फैक्टर और डिज़ाइन फैक्टर, तो उसका भी फॉर्मूला दे दिया, एन डैश इंटू ड्यूटी फैक्टर, तो हम लिख लेते यहाँ लिखता हूँ, थर्ड है एन, जो कि है एन डैश इंटू ड्यूटी फैक्टर, ये बुक से ही देख के मैंने लिखा, कहीं से लिखा नहीं, अब एन डैश क्या है, तो एन डैश भी हम बुक से ही देखते हैं, एन डैश क्या है, एन डैश इंटू ड्यूटी फैक्टर, कहीं दिया नहीं है तो हम नीचे देखते हैं क्या है, यहाँ देखिए यहाँ दिया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी एन डैश इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो अभी उस पर डिपेंड करके हम सिलेक्ट करेंगे, तो एक सेकेंड, हमारा एप्लीकेशन क्या था, क्लास 1, 2, 3, 4 में से हमारा क्लास 2 था, तो हम ये कॉलम में देखना है, और हमारा मैकेनिज्म कौन सा है, होइस्टिंग मैकेनिज्म है, क्रेन्स एंड होइस्टिंग, जनरल होइस्ट ब्लॉक नहीं, हमारा होइस्टिंग मैकेनिज्म वो भी फ्लेक्सिबल क्रेन है ना, तो ये हमारा होइस्टिंग, तो क्लास 2 होइस्टिंग मैकेनिज्म, एन की वैल्यू, एन डैश की वैल्यू क्या है, 4.5, तो एन डैश इज 4.5 इंटू ड्यूटी फैक्टर, वो ड्यूटी फैक्टर कहाँ है, पलटे पेज पलटे तो देखिए यहाँ ड्यूटी फैक्टर का टेबल भी है, ड्यूटी फैक्टर एंड लाइफ एंड मैकेनिज्म, तो हमारा क्लास 2 था, ये रहा क्लास 2 और उसका ड्यूटी फैक्टर ये दिया, ये लाइफ है, ये ड्यूटी फैक्टर दिया है, स्ट्रेंथ के लिए 1.2 और वेयर के लिए 0.5, तो हम स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं इसलिए 1.2, तो यहाँ इंटू 1.2, अब देखिए आप सब ये सब निकाल तो लेके, लेकिन एक गलती आपसे ये रहती है कि आप ये सब जब लिख लेते हैं ना तो डायरेक्ट लिख के छोड़ देते हैं, आपको इसके आगे उसका पेज नंबर लिखना पड़ेगा, डेटा बुक का नाम लिखना पड़ेगा, आपने ये कहाँ से लाए, तो वो भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना मार्क्स कट जाते हैं, तो ये देखिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ से आया था ना, तो ये पेज नंबर है 9.1 और डेटा बुक का नाम PSG है, मेरी डेटा बुक का नाम तो PSG 9.1 यहाँ लिखिए, ओके, फिर ये W और फॉल, तो ये गिवन था, तो ये गिवन है, ये हमने अज्यूम के ऊपर से, और फॉल भी हमने अज्यूम किए, सिग्मा यू सिग्मा टी, तो यहाँ भी हमने लिखे ही नहीं थे पेज नंबर क्या है, तो ये पेज नंबर 9.4 से हमने शायद निकाले थे, लेट मी चेक, हाँ ये 9.4 से हमने ये निकाले, ये सब निकालते ना हम जब डेटा बुक से कुछ भी रिफ़र करते ना, तो उसका पेज नंबर और नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते, अब ये एन डैश इंटू ड्यूटी फैक्टर, तो ये सब भी हमने ये 9.1 से निकाले थे और ये 9.2 से निकाले थे, तो हर एक लाइन के बाद उसके आगे वो डेटा बुक का नाम नंबर लिखते जाइए, तो मैं बोलूँगा कि आप एक ऐसा कॉलम बना लीजिए, ऊपर डेटा बुक का नाम लीजिए PSG और फिर नंबर लिखना NO और यहाँ से पेज नंबर लिखते जाना आप, तो अभी मैं आगे के स्टेप्स में इनका पेज नंबर नहीं लिखूँगा, आपको खुद से लिखना पड़ेगा आप, ठीक है, वो बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, इसकी वजह से मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करूँगा, आपको बताऊँगा भी कहाँ से आया, आप खुद से वो एग्ज़ाम में लिख लेना नंबर, ठीक है, तो इसको 4.5 इंटू 1.2 तो ये आया 5, एन मिल गया हमें 5.4 मिला, ओके, फिर उसके बाद एन भी मिल गया, अब ये डी बाई डी मिनिमम, तो उसके लिए भी आपको डेटा बुक देखिए, पहले पेज पर आ गई, यहाँ दिखे ये दिया हुआ है डी बाय डी मिनिमम बाय डी दिया हुआ है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बैंड्स पे, तो हमने नंबर ऑफ बैंड्स 3 अज्यूम किए थे, 4 फॉल सिस्टम एंड 3 नंबर ऑफ बैंड, तो इसलिए डी मिनिमम बाय डी क्या हो जाएगा 23, तो हमारा फोर्थ जो है डी मिनिमम बाय डी था उसमें, हाँ वो है 23, लेकिन फॉर्मूले में क्या है डी बाय डी मिनिमम, तो इसलिए डी बाय डी मिनिमम क्या हो जाएगा 1/23, उसका उल्टा ना, ओके, ये हो गया, अभी डी डब्ल्यू बाई डी इंटू ई डैच ये कैसे निकालेंगे, तो आप ये इसको एनालॉजी से निकालना पड़ेगा, मतलब ये देखिए यही सेम फार्मूला यहाँ पर भी है ना, सिर्फ इसमें सिग्मा यू मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इसकी एनालॉजी से हम निकालेंगे, ये 6/37 का फार्मूला, 6/19 ये आप मत देखिए, ये जो है तो इसमें देखिए वो वाला मत देखिए, ये वाला फार्मूला देखिए, पी पी एफ एफ सिग्मा यू ये सब सेम है, तो फिर ये और ये सेम हो जाएगा ना, डी डब्ल्यू बाई डी इंटू ई डैश विल बी इक्वल टू 36,000, क्योंकि ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सेम है ना, सिर्फ ये
ये फैक्टर अननोन फैक्टर है इसमें, और इसमें यहाँ नोन है, तो इसलिए डी डब्ल्यू बाई डी इंटू ई डैश इज 36,000। तो फिफ्थ जो है डी डब्ल्यू बाई डी इंटू ई डैश, वो आप डायरेक्टली 36,000 लिख दीजिए, फिर आगे लिख लीजिए पेज नंबर 9.1। आपको सारे चीज़ नोन हो गए, अब आप सिर्फ ये फॉर्मूले में सब्सिट्यूट करिए, आपको आ जाएगा। तो मैं करता हूँ, ए इज इक्वल टू एफ, कितना आया था 2770 अपॉन सिग्मा यू 165, एन था 5.4 माइनस डी मिनिमम बाय डी बाय डी मिनिमम 1/23 था, 1/23 इंटू 3600। तो इसको आप सॉल्व करिए, इससे एरिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जो भी एरिया मिलेगा उसको इक्वेट करिए, एरिया क्या होता है रोप के लिए, मतलब रोप एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर, इसलिए उसको इक्वेट करिए पाई बाय 4 डी स्क्वायर से, तो इससे आपको डी मिल जाएगा। एरिया को यहाँ लिख दीजिए पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ओके। फिर इसको आप सॉल्व करिए तो यहाँ आपको डी मिल जाएगा, तो डी आया यहाँ पर 2.43 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ मेरे से एक मिस्टेक हो गई, वो ये थी क्या, ये जो फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू एफ अपॉन ये, तो एफ के जी एफ में ये था जो कि हमने के जी एफ में डाला, एफ़ को हमने के जी एफ में डाला 2770 के जी एफ। अब ये जो सिग्मा यू था वो मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, सिग्मा यू चाहिए के जी एफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन हमने 165 के जी एफ पर एम एम स्क्वायर में डाल दिया है, तो इसलिए इसको पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। तो 165 इंटू के जी एफ तो वहीं रहेगा, के जी एफ अपॉन, तो 10^-2 सेंटीमीटर होता है उसका भी स्क्वायर, तो 10^4 हो जाएगा वो, माइनस 4 फिर ऊपर आके प्लस 4 हो जाएगा, तो 10^-1 तो 16500 के जी एफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी बस, यहाँ पर 00 भी आएगा क्योंकि उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए यहाँ पर यूनिट्स का आप बहुत ध्यान दीजिए, वो जो जैसा डेटा बुक में दिया वैसे यूनिट्स डालिए। अब ये डी बाई डी मिनिमम तो ये mm में हो या सेंटीमीटर में हो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे भी mm है और नीचे भी सेंटीमीटर है, डी और डी दोनों का यूनिट सेम है, तो कैंसिल हो जाते, तो ये यूनिट लेस क्वान्टिटी है। और ये भी देखिए ये यूनिट लेस है, लेकिन ई डैश जो है वो सेंटीमीटर में है, तो इसलिए हर चीज़ इसमें सेंटीमीटर में सब्सिट्यूट करना था डेटा बुक के अनुसार। तो हमने बस एक जगह यहाँ गलती की कि 165 kgf पर mm स्क्वायर में सब्सिट्यूट किए, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, 10^-1 होता है, फिर 10^-2 हो जाएगा और ऊपर जाएगा 10^+2 हो जाएगा। तो जब सब चीज़ सब सेंटीमीटर में सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें डी का आंसर भी सेंटीमीटर में मिलेगा 2.43 सेंटीमीटर, मतलब 243 mm। तो हमने डी निकाल लिए, तो डी निकालने के बाद ये तो हमारा फॉर्मूले से आया हुआ डी है, तो अब हमें स्टैंडर्ड रोप सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड रोप के लिए आप इसके टेबल में जाइए, वापस आ जाओ डेटा बुक, ये देखिए ये ना 6×37 का टेबल, इसमें जाइए। अब इसमें ढूंढनी है 24 का, ये ना 24, लेकिन हमारा 24.3 है, मतलब 24 से बड़ा है, तो इसलिए हम एक ग्रेटर वैल्यू सिलेक्ट करेंगे ताकि वो फेल ना हो, तो हम 25 सिलेक्ट करेंगे, ठीक। तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम PSG 9.4 पेज नंबर है उसका, सिलेक्टिंग स्टैंडर्ड रोप ऑफ 25 mm विथ, ये देखिए अप्रॉक्सीमेट वेट तो कितना है 25 के लिए 2.37 kgf पर मीटर, तो 2.37 kgf पर मीटर, ओके। एंड स्ट्रेंथ भी लिखना पड़ेगा, एंड स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी 32.5
32.5 उसका यूनिट देखना पड़ेगा। तो ये देखिए पूरे टेबल का यूनिट यहाँ पर दिया है टन्स, तो टन्स तो थर्ड हो गया। अभी अभी फोर्थ स्टेप पे चलते हैं। हमने सिलेक्शन कर लिए, अज्यूम कर लिए थे, डायमीटर निकाले रोप का। अब फोर्थ स्टेप है चेक करने का कि वो रोप सस्टेन कर पाएगी कि नहीं। तो उसको हम एक स्ट्रेंथ टेस्ट से चेक करेंगे, जो कि उसका नाम है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो उसका फोर्थ स्टेप लिखता हूँ मैं। चेकिंग फॉर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो अभी ये कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला देखे थे हमने, ये वाला 6/37 रोप्स के लिए। तो ये स्ट्रेंथ का ही फॉर्मूला है ना, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ लोड आएगा, इस फॉर्मूले से हमें को ये लोड मिलेगा, ठीक है। ये क्या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप है, तो इसलिए हम ये फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से हमें ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप मिलेगी, ओके। और हमारी रोप की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी रोप की स्ट्रेंथ है 32.5। अगर इस फॉर्मूले से जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आएगी, मतलब पी आएगा इससे, वो इससे लेस हुआ तो हमारा रोप सेफ है। लेकिन जब इससे आएगा, अगर वो उससे ज़्यादा हुआ तो हमारा रोप फेल हो रहा है, फिर हमें नेक्स्ट रोप सिलेक्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट उससे हायर वैल्यू वाला, हायर स्ट्रेंथ वाला। तो मैं वो फार्मूला लिख लेता हूँ, क्या है वो एफ सिग्मा यू, और फिर पूरा सेम ही था वो, तो पी इज इक्वल टू एफ इंटू सिग्मा यू अपॉन सिग्मा यू डिवाइड बाय एन माइनस डी बाय डी मिनिमम इंटू 3600, सॉरी 36000, ये भी 1000 था, मिस्टेक हो रही है, ओके हाँ 36000 था वो। फिर एफ 2770 kgf हमने पीछे कैलकुलेट किया। अब इस बार नहीं गलती करना, सिग्मा यू जो है वो 165 kgf पर mm स्क्वायर था, तो हमने उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके 16500 डिवाइड बाय 16500, ये तो वही था, डिवाइड बाय n हमारा आया था 5.4 माइनस 1/23 इंटू 3600। अब इससे आप इसको सॉल्व करिए तो आपको p की वैल्यू मिलेगी, जो कि मिली 30.66 kgf, p का यूनिट है kgf, ओके। तो अभी देखिए 30.66 इज लेस देन 32.5, therefore इट इज लेस देन 32.5, जो हमारी सिलेक्टेड रोप थी उसकी स्ट्रेंथ थी 32.5, तो उससे ये कम है, तो देयरफॉर सिलेक्टेड रोप इज सेफ, ओके। तो हमने इसको टेस्ट कर लिए, तो हमारी रोप अब सेफ हो गई। तो पहले तो हमने सिलेक्ट किए थे रोप, फिर हमने उसको डायमीटर डिसाइड किए, फिर हमने उसको चेक किया, वो सेफ हो गया। अब हम उसकी लाइफ डिसाइड करेंगे, ओके। तो लाइफ ऑफ रोप लास्ट स्टेप है इसका, माइनस स्टेप डिज़ाइन ऑफ रोप का। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फाइव लाइफ ऑफ रोप। तो इसका फॉर्मूला भी PSG में दिया हुआ है, मतलब डेटा बुक में दिया हुआ है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। आगे जाते रहिए जाते रहिए, ये देखिए आपको खुद मिल जाएगा डिज़ाइन फॉर लाइफ ऑफ रोप्स, हेडिंग से ही पता चलता है डिज़ाइन फॉर लाइफ ऑफ रोप्स। तो इक्वेशन क्या है, n इज इक्वल टू 0.5z अपॉन a बीटा z2, तो ये लिख लेते हैं आपको, n इज इक्वल टू 0.5z अपॉन a बीटा z2, ओके। तो अब एक एक करके निकालते हैं ये चीज़ें, तो मैं फर्स्ट लिखता हूँ, तो इसमें मैं फर्स्ट z नहीं निकाल रहा हूँ, फर्स्ट a बीटा और z2 निकालता हूँ, वो बाद में आपको बताता हूँ क्यों। तो पहले मैं a देख, पहले a देखते कहाँ पर है a, तो बाजू में ही दिया रहता है वैसे, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है a बीटा z2 रिफर टू टेबल नंबर 2, ठीक है। तो हम पेज टर्न करेंगे, ये टेबल 1 टेबल 2, ठीक है। तो वैल्यूज़ ऑफ a z2 बीटा दे दिए हैं,
अब उस पर अपने को डिपेंड करता है कि हम कौन सी ड्यूटी सिलेक्ट करेंगे। तो लाइट ड्यूटी तो नहीं, और ना इतनी हैवी ड्यूटी, हम मीडियम ड्यूटी मॉडरेट ड्यूटी सिलेक्ट करते हैं। तो ए की वैल्यू है 3400, जेड टू की वैल्यू है 3 और बीटा की वैल्यू है 0.4, तो वो लिख लीजिए यहाँ पर। ए इज इक्वल टू 3200, उसका यूनिट भी लिखना है, साइकल्स पर मंथ। फिर जेड टू इज इक्वल टू 3 बेंड्स पर साइकिल। फिर बीटा इज इक्वल टू 0.4। ओके, फिर यहाँ आगे लिखना टेबल नंबर 2 PSG 9.8। तो ए बीटा जेड टू मिल गया, अब हमें जेड चाहिए, तो वहीं देखते हैं हम जेड कहाँ पर। जेड रिफर टू टेबल नंबर 1, ठीक है, टेबल नंबर 1 पे गए। ये रही जेड की वैल्यूज, लेकिन वो डिपेंड कर रही है एम की वैल्यूज पे। अब ये एम क्या है, तो इसलिए हमें एम कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले जेड निकालने के लिए। तो उसके नीचे एक फार्मूला दिया है, डी बाई डी इज इक्वल टू एम सिग्मा C1 C2 C प्लस 8। तो इसमें एम आता है ना, तो हम उससे एम निकाल सकते हैं। तो सेकेंड फॉर जेड वी नीड एम, देयरफॉर डी बाई डी इज इक्वल टू एम सिग्मा C1 C2 C प्लस 8। ओके, ये फार्मूला वहाँ से लिख लिया हमने। अभी इसमें इसके लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी ना, तो वो निकालते। डी बाई डी, कैपिटल डी, तो हमने एकदम फर्स्ट पेज पे देखा था उसका टेबल। ये रहा कैपिटल डी बाई डी। ओके, तो इसमें क्रेन्स के लिए, क्रेन से होइस्ट के लिए, क्लास 2 के लिए 6 × 37 619, और 3 वायर्स दिए ना, हमारा 6 × 37 था क्रेन्स, और वो भी क्लास 2 के लिए क्या है 17। तो जो डी बाई डी है वो है हमारा 17। एम ही तो निकालना है, और फिर उसके बाद सिग्मा। तो सिग्मा जो है, देखते इसमें क्या है सिग्मा। देखिए, सिग्मा टेंसाइल स्ट्रेस इन रोप, उसका फॉर्मूला दिया 10F/πD², ठीक है, लिख लेते हैं 10F/πD², ठीक। और F कहाँ में रहना चाहिए, F रहना चाहिए KGF में। ओके, तो 10 तो वहीं रहेगा, F हमारा था 2770 है ना, KGF में था पहले निकाले थे हमने, अपॉन पाए इंटू D², तो D में क्या आया था, D 24.3, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड D क्या है 25 mm है ना, तो 25। ओके, तो इससे आपको सिग्मा मिल जाएगा 14.11 kgf/mm². अब ये यूनिट भी इसमें दिया हुआ था, इसलिए मैंने लिखा, ठीक है, नहीं दिया था तो हमें पता है ना ये kgf में था और ये mm था, तो इसलिए kgf/mm², डी स्क्वायर था ना वो, तो mm। सिग्मा निकाल लिए, C1 C2 C निकालना है। ओके, तो C1 C2 C हम कहाँ से निकालेंगे, इसमें से देख लेते हैं। तो रिफर टेबल नंबर 3 C2, वो इसमें से चुन सकते हैं, और C के लिए टेबल नंबर 4। तो पहले हम C1 निकालते हैं टेबल नंबर 3 से, ये रहा टेबल नंबर C1। रोप डायमीटर पे डिपेंड करता है। ओके, तो हमारा रोप डायमीटर 25 था, तो 25 ये रहा, उसके लिए क्या है C1 1.09, तो C1 1.09, आगे वो नाम नंबर लिख लेना डेटा बुक का। फिर C2 तो उसने रेंज दिया था ना, 0.63 से लेके 1.15 कुछ भी ले सकते, तो कैलकुलेशन इजी हो जाए तो मैं 1 ले लेता हूँ। और फिर C, तो C के लिए रिफर टेबल नंबर 4, तो 4th टेबल रिफर करते हैं, ये रहा 4th टेबल। तो हमारा क्या है, 67 नहीं है, 690 नहीं, 637 है। ओके, तो हम क्रॉस टाइप का हम कर रहे हैं, तो 637 क्रॉस, ठीक है।
तुम्हारा टेंसाइल स्ट्रेस ना 165 है ना, लेकिन उससे बड़ा चाहिए, मैं तो 180 ले गया हूँ, तो क्रॉस 180 1.02 आएगा, 1.02। अब सारी वैल्यूज़ मिल गई, अब इस फॉर्मूले में डाल देते, तो यहाँ लेके आता हूँ इसको, ये है 17 इक्वल टू एम नहीं पता इंटू सिग्मा आया, ये रहा 14.11 इंटू C1 क्या है, ये रहा 1.09, C21 इंटू C1.02 प्लस 8। इसको सॉल्व किए, इसको सबको मल्टीप्लाई करिए, फिर समथिंग इंटू एम प्लस 8 आएगा, 8 को इधर लाइए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर उसको डिवाइड करें तो m मिल जाएगा, तो m आया आपको 57.4, ओके उसका यूनिट, तो यूनिट्स यहाँ दिया है देखिए, m इन हंड्रेड्स, तो मतलब ये 57.4 इन हंड्रेड्स में आया, ठीक है m आ गया। तो ये सब कर क्यों रहे थे हम, m z निकालने के लिए कर रहे थे ना, तो इसलिए अब हम देखते हैं z क्या आएगा। m निकाल ली, नेक्स्ट स्पीड ले लेते हैं, तो m 57.4, 57.4 है ही नहीं इसमें, उससे बहुत बड़ी वैल्यू है 70, तो हम उतना ले नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा इसमें। इंटरपोलेशन मतलब हमें एक वैल्यू है m की पता है, उसी करस्पॉन्डिंग वैल्यू z की नहीं पता है, तो हम z की आगे पीछे वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ z 57 के आगे वाली वैल्यू क्या है, 50, ओके फिर सॉरी m की वैल्यू देख रहे थे ना, m 57 आया, तो 56 है, 57 नहीं है, ओके यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए 56 है, 57 नहीं है, तो हमें इंटरपोलेशन से ही निकालना पड़ेगा वो, क्योंकि 56 ले नहीं सकते, वो छोटी है, 57 उससे एक ज़्यादा है, लेकिन देखिए उसके 70 आ जा रहा है उसके बाद डायरेक्ट, तो यहाँ पर m लिखिए, 57 से पहले 56 आता, और फिर 57 पॉइंट कितना आई थी हमारी 4 ये वैल्यू, और फिर उसके बाद वाली वैल्यू क्या है 70, ओके ये सब गायब कर दिए, और फिर उसकी करस्पॉन्डिंग z वैल्यू क्या है, z 56 की 70 है, और 70 करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 90, हमें इसकी z वैल्यू नहीं पता, तो हम इसको x ले लेते हैं। अब इसको इंटरपोलेट करते हैं, तो इंटरपोलेट कैसे करने का, तो छोटी वैल्यू माइनस सबसे बड़ी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू माइनस ये, मतलब 70 माइनस 90 करिए, ठीक है डिवाइड बाय, अब जैसा ऊपर की वैसे नीचे भी करना पड़ेगा, 56 माइनस 70, ओके इज इक्वल टू, फिर 70 माइनस एक्स करिए डिवाइड बाय, जैसा ऊपर की वैसे नीचे करना पड़ेगा, 56 माइनस 57 पॉइंट, ठीक है तो हम यहाँ थे ना, तो इसको आप सॉल्व करिए, ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x आपको आएगा 72, ओके तो x 72 आया आपका, लेकिन z सॉरी x क्या थी, वो z की वैल्यू थी ना, तो x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 72, तो z का यूनिट क्या है थाउजेंड्स, तो 72 थाउजेंड्स, ओके फिर आप सारी वैल्यूज़ आपको आ गई उसकी n वाले फार्मूले की, अब सब सब्सटीट्यूट कीजिए, ये रहा तो n इज इक्वल टू 0.5 इंटू z क्या है, z है 72 थाउजेंड्स है ना, तो हमें z की वैल्यू थाउजेंड्स में ही डालनी पड़ेगी, तो 72 इंटू थाउजेंड डिवाइड बाय 3400 इंटू 0.4 इंटू 3, और ये 3400 था ना, तो मैंने यहाँ 32 क्यों लिखा हुआ, 34 है, तो इससे आपको m मिल जाएगा जो कि है 7.05, ओके तो n क्या है, लाइफ इन मंथ्स ऑफ 25 डेज, तो 7.05 मंथ्स, मतलब हर मंथ्स में 25 डेज अगर वर्किंग अज्यूम किए तो 7.05 मंथ्स ये रोप सस्टेन करेगी, जो हमारी रोप सिलेक्टेड रोप है ना,
वो तो इससे इसके साथ हमारा डिज़ाइन ऑफ रोप जो सेकंड स्टेप था बस वो कंप्लीट होता है। ये रहा रोप डिज़ाइन हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप पुली डिज़ाइन एंड बेरिंग सिलेक्शन फॉर पुली। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ इसको फाइव स्टेप्स माइनर स्टेप्स थे इसके फाइव स्टेप्स। अभी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पुली डिज़ाइन की ओर। तो रोप डिज़ाइन के लिए अब रोप के बेसिस पे ही पुली डिज़ाइन होगी। तो पुली डिज़ाइन बहुत मतलब छोटा स्टेप है लेकिन उसकी बेरिंग जो सिलेक्ट करना है तो हमने वो प्रीवियस सब्जेक्ट में पढ़ा था मशीन डिज़ाइन टू में। तो वो पूरा स्टेप मतलब जो हमारा सम रहता था बेरिंग सिलेक्शन का 10 मार्क का वो इसमें एक माइनस स्टेप बन गया है। तो हमें वो पूरा स्टेप मतलब पूरा सम उसमें वापस यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है तो मैं करता हूँ पुली डिज़ाइन नेक्स्ट। तो लिखते हैं हम थर्ड है पुली डिज़ाइन। ओके तो यहाँ तो पुली डिज़ाइन हमें सीधा बुक में मिल जाएगा। आप बस पलटा दीजिए ये पेज आपको जहाँ पुली दिखी रुक जाना। ये तो ड्रम है ये रहा देख शेप ग्रुप फॉर स्टील वायर्स एंड रोप्स। तो पुली मतलब शीप दोनों वन एंड द सेम ही होता है। तो शीप मतलब पुली होता है। तो हम पुली डिज़ाइन को ऐसा भी लिख सकते हैं डिज़ाइन ऑफ रोप पुली एंड शीप। ठीक है तो ये पेज पे मिल गया हमें। ये पेज नंबर है 9.10। हमारा रोप डायमीटर क्या था? हमारा रोप डायमीटर है 25। तो हमें उसकी नेक्स्ट वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें 25 है ही नहीं तो नेक्स्ट वैल्यू था 28। तो हम 28 का सिलेक्ट करते हैं और कहाँ तक ए बी सी ई एच एल ये छः वैल्यू हमें उसके लिखनी पड़ेगी। ये पूरा सिलेक्ट करके ये पूरा टेबल हमें उतारना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ सिलेक्टिंग। हमें एक बार शीफ का डेटा मिल जाए ना तो हम उसके बेस पे पुली का डायमीटर निकाल सकते हैं। ओके तो सिलेक्टिंग शीप फॉर डायमीटर 28 mm। तो यहाँ पर डायमीटर लिखे 28 mm और फिर उसके आगे ए बी सी ई एच एल यहाँ तक वैल्यूज थी ना वो ए बी सी ई एच एल तो उनके वैल्यूज लिखे 28 के करस्पॉन्डिंग में क्या है क्या थी 80, 60, 12, 2.0 थी ना 2.0 55 एंड 22। ओके ये वैल्यूज लिखने बाद हमने शीप का डायमीटर मतलब वायर के डायमीटर पे ये वैल्यूज सिलेक्ट कर लिए। अब हमें पुली का डायमीटर चाहिए। तो पुली डायमीटर मैंने आपको बताया था एकदम स्टार्टिंग में ही कहाँ गया पेज कैपिटल डी से डिनोट होता है पुली का डायमीटर। तो यही है पुली डायमीटर है ना। तो इसका हमने एक फॉर्मूला देखे थे एकदम स्टार्टिंग में जो कि ये टेबल में मिला था हमें डी बाई डी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी मिनिमम डी बाय स्मॉल डी। तो इसे मिनिमम डायमीटर ऑफ पुली मिल जाएगा हमें। तो हमारा क्या था वो 637 प्लस 279 आया था ना। तो डी मिनिमम बाय स्मॉल डी 17 हमने ये प्रीवियस फॉर्मूला निकाले थे वही है। ओके तो हमारे पास स्मॉल डी पता है हमें 25 स्टैंडर्ड रोप का डायमीटर जो हमने निकाले थे और ये डी मिनिमम इक्वल टू 17। तो डी मिनिमम हमें इससे मिल जाएगा 17 × 25 जो है 425 mm। ओके डी मिनिमम मिल गया तो अब हमें डी मैक्सिमम भी निकालना होगा। तो डी मैक्सिमम जो है वो होता है डी मिनिमम प्लस ट्वाइस इंटू एच। तो डी मिनिमम आया 425 प्लस 2 इंटू एच हमारा है 55। तो इस समय डी मैक्सिमम आ गया 535 mm।
ओके तो हमने मिनिमम और मैक्सिमम डायमीटर निकाल लिया पुली का। उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा मीन डायमीटर DM, तो जो होता है डी मिनिमम प्लस डी मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। इन दोनों का एडिशन करके इनका एवरेज निकाल लिए तो उससे आपको मीन डायमीटर मिलेगा। तो उससे हमारा पुली डिज़ाइन का स्टेप भी फिनिश हो जाता है। तो पुली डिज़ाइन हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप बेयरिंग फॉर पुली। तो हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेप, बेयरिंग फॉर पुली। तो अभी हमें बेयरिंग सिलेक्ट करना है पुली के लिए। तो इसमें भी हमें तीन चीज़ निकालनी है, यानी चार चीज़ निकालनी है हमें। एक तो पहले टाइप ऑफ पुली, टाइप ऑफ बेयरिंग निकालना पड़ेगा। उसके बाद इक्विवेलेंट लोड निकालना पड़ेगा, फिर लाइफ ऑफ बेयरिंग निकालना पड़ेगा, फिर डायनेमिक कैपेसिटी, उसके बाद ही हम बेयरिंग सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इसमें भी चार माइनर स्टेप्स है। तो पहला है टाइप, सेकेंड है इक्विवेलेंट लोड, थर्ड है लाइफ, एंड देन फोर्थ है डायनेमिक कैपेसिटी। बिना मैं दो अलग अलग बुक रिफ़र करके ये सम सॉल्व कर रहा हूँ, तो उनमें वैल्यूज़ दोनों में अलग अलग दी गई है। तो इसमें से अगर कुछ वैल्यूज़ जो मैंने प्रीवियसली निकाला उसमें से अगर आपकी वैल्यू मैच नहीं करती तो कोई बात नहीं, आप अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप प्रोसीड करिए फर्दर। वैल्यूज़ मैच करना नहीं करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन है कि आपको सीखने मिल रहा है, तो आप अगर वो सीख गए तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैल्यूज़ तो आप खुद कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, लेकिन अगर कुछ मैच नहीं की तो घबराना नहीं, हो सकता है वो सही भी हो। तो फर्स्ट स्टेप है टाइप। तो क्योंकि फोर्स जो हमारी बेयरिंग है, ये रहा पुली और यहाँ पर बेयरिंग है, ये रही बेयरिंग यहाँ पर रहेगी, तो फोर्स उसके रेडियल डायरेक्शन में, मतलब ये पुली है और इसका ये रेडियस रहता है, तो फोर्स रेडियल डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम रेडियल बेयरिंग सिलेक्ट करेंगे। तो इसलिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट रहेगा हमारा, सिंस फोर्स इज एक्टिंग रेडियली ऑन पुली, देयरफॉर सिलेक्टिंग प्योर रेडियल बियरिंग, तो होगी वो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। कोई एक रेडियल टाइप की बियरिंग है तो वही सिलेक्ट करेंगे डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड है इक्विवेलेंट लोड, सेकेंड स्टेप है इक्विवेलेंट लोड। तो ये इक्विवेलेंट लोड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तो स्टैंडर्ड तरीका जो हमने मशीन डिज़ाइन 2 में पढ़ा था वो है, जो कि बहुत लेंदी है, क्योंकि अब ये सब इतना लेंदी खुद हो जा रहा, तो इसलिए हम वो तरीका नहीं जाएंगे। हम सीधा इक्विवेलेंट लोड जो है वो एक रेंज में अज्यूम कर लेंगे, 1.5 से लेके 2 × F। तो ये आप याद कर लीजिए कि इक्विवेलेंट लोड ये रेंज में होता है, 1.5 से लेके 2 × F। तो आप इसके बीच में कोई भी नंबर लीजिए, समझिए 1.5 लेते, हमारा लोड था 2770, तो इक्विवेलेंट लोड आ गया 4155, क्योंकि लोड KGF में था, तो इसलिए हमारा इक्विवेलेंट लोड भी KGF में है। तो इससे हम सेकेंड स्टेप हो गया इक्विवेलेंट लोड, और फिर थर्ड स्टेप है लाइफ। तो लाइफ हमेशा उसमें रहती है मिलियन रिवॉल्यूशन में, ओके। तो मिलियन रिवॉल्यूशन के पहले हमें लाइफ इन आवर्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइफ इन आवर्स हमें कैलकुलेट करते हैं। तो हम खुद ही अज्यूम कर लेते क्या इस बेयरिंग की, अज्यूमिंग लाइफ एस 4 ईयर्स, हम खुद अज्यूम कर लेते और देखते वो सही होती कि नहीं। तो 4 ईयर्स में 365 डेज होते हैं, चलो 300 वर्किंग डेज अज्यूम कर लेते, और हर दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन उसमें से अगर 8 घंटे क्रेन का काम कर रही, तो हम 8 अज्यूम कर लेते, तो इसलिए 4 × 300 × 8 कितना आया 9600 आर्स, हमें आर्स में अनुसूचित है इसलिए आर्स है, ठीक है।
अब हमें मिलियन रिवॉल्यूशन में चाहिए, तो हमें लाइफ इन मिलियन रिवॉल्यूशन, लेकिन हमें आर्स पता है, लाइफ इन आर्स। ओके, अब रिवॉल्यूशन उसको अंदर कैसे लाएंगे? अगर आर्स को हम रिवॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ना, तो हम रिवॉल्यूशन निकालते हैं। तो रिवॉल्यूशन के लिए हमें एक फार्मूला पता है, पाई वी इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 60, है ना, ये वेलोसिटी का फार्मूला है, वी इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 60। तो वेलोसिटी क्वेश्चन में ही दी थी हमें, क्या दी थी, 6 मीटर पर मिनट दिया था ना, तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 मीटर पर मिनट था, तो पर मिनट अगर 6 जा रही है तो पर सेकेंड कितना जाएगी, तो उसको इंटू जो भी आता वो लिख देना, फिर पाए इंटू डी। अब ये डी क्या है, ये डी मीन है, डी मीन मतलब हम पुली के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो उसका मीन डायमीटर लेंगे। तो पिछले स्टेप में हमने मीन डायमीटर निकाले थे, जो भी आता वो यहाँ लिखना इंटू एनी, तो निकालना है हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइड बाय 60। ओके, तो इससे आपको एन मिल जाएगा, एन आया, मेरे पास जो वैल्यू है वो गलत है शायद, 5.29 आरपीएम आया। तो आप अपने हिसाब से वो आपकी वैल्यू जो आएगी वो लिख लेना, तो मेरे पास जो वैल्यू वो गलत है, 5.29 आरपीएम, मैं इसको अज्यूम करके चलता हूँ सही है, तो 5.29 आरपीएम, लेकिन हमारी लाइफ आर्स में है और ये मिनट में है, तो इसलिए इसको इंटू 60 करेंगे ताकि ये आरपी रोटेशन पर आर में आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर एन इंटू 60, क्योंकि वो आर्स में चाहिए। अब मिलियन चाहिए, तो इसलिए डिवाइड बाय 10^6, 10^6 मतलब 1 मिलियन होता है। तो इसमें आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो आपको लाइफ इन मिलियन रिवॉल्यूशन मिलेगा, जो कि आया 1.77 आया। तो आप ये वैल्यूज पे मत जाइए, आप अपनी खुद की वैल्यूज लिखिए, सिलेक्ट करिए। ओके, तो लाइफ इन मिलियन रिवॉल्यूशन आ गया। अब उसके बाद वाला स्टेप है, ये हो गया, तीन स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप यहाँ लिख दो, फोर्थ स्टेप है डायनेमिक कैपेसिटी। तो डायनेमिक कैपेसिटी का भी फॉर्मूला वो बेरिंग के चैप्टर्स में था, तो इसमें बेरिंग का चैप्टर ढूंढिए, ये रहा बेरिंग, तो इसका स्टार्टिंग पे जाते हैं। ये रहा डायनेमिक कैपेसिटी का, देखिए फॉर्मूला क्या है, एल बाय L10 रेस टू 1/k इंटू PE, तो C इज इक्वल टू L बाय L10 रेस टू 1/k इंटू PE। ओके, तो L10 तो हमेशा 1 ही रहता है, L हमने ये जो मिलियन रिवॉल्यूशन में वही है 1.77 डिवाइड बाय L10 1 रहता है, 1/k। अब k इज 3 फॉर बॉल बेरिंग, 10/3 फॉर रोलर बेरिंग, तो हमारी बॉल बेरिंग रहेगी, तो इसलिए हम 3 यूज़ करेंगे इंटू PE जो हमारा यहाँ से आया 4155। तो इससे हमें डायनेमिक कैपेसिटी मिलेगी जो कि आई 6023 या फिर नहीं नहीं 3501.46 kgf। ओके, ये वैल्यूज गलत भी हो सकती है, आप देख लेना आपकी कैलकुलेशन में क्या है। तो इससे डायनेमिक कैपेसिटी आ गई। अब डायनेमिक कैपेसिटी से हम बेरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं ना, ये बेरिंग सिलेक्शन की डायनेमिक कैपेसिटी मिल रही थी, तो हम बेरिंग सेलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बेरिंग के टेबल्स, ये रहे टेबल्स, तो अगर आपको याद रहेगा तो ये डीप ग्रुप बॉल बेरिंग्स के ये सब टेबल्स थे, इसमें से हम पहले बेरिंग सेलेक्ट करते थे हर सीरीज में से देखिए। तो यहाँ पर सीरीज में से देख के हम उस टाइप की बेरिंग सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो जो सीरीज में से वैल्यूज आई है बेरिंग की वो लिख लेता हूँ, SKF नंबर डायमीटर सी और यहाँ पर PSG का नंबर लिखना, ठीक है। तो एक आया जो 60 सीरीज में था वो आया था, 62 में से एक आई थी, 63 में से एक आया था और 64 में से एक आया था, तो 80, 60, 45।
ओके तो मैंने ये टेबल बना लिया, हर सीरीज में से एक एक बेरिंग सिलेक्ट किया था। अब हमें आगे फर्दर एक एक बेरिंग सिलेक्ट करना है ना, तो इसमें से कोई एक होगी, तो वो जो एक है ना वो अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे हम। उसके लिए पहले हमें एक्सेल डिज़ाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है, डिज़ाइन ऑफ एक्सेल। जब ये डिज़ाइन करेंगे ना, तो इससे जो डायमीटर आएगा ना, उस डायमीटर को चुन के हम बेरिंग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो देयरफॉर लिख लेता हूँ यहाँ पर, सिलेक्शन ऑफ बेरिंग विल बी बेस्ड ऑन डायमीटर ऑफ एक्सेल, देयरफॉर डूइंग इट लेटर। ओके, आई होप आपको अब तक का वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो हम यहाँ तक पहुँचे अभी तक। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है थोड़ा और आगे पहुँचे, और फिर थर्ड वीडियो में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसको शेयर करिए कॉलेज वाले दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख पाए, और सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे कंटेंट्स और लाते रहेंगे। थैंक यू।